देश भर के अंदर लॉकडाउन है तो ऐसे में अधिकारी लगातार जूनियर अधिकारियों से फोन कर हालात का जायजा ले रहे हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और जनता को काफी अच्छी सलाह भी देते हैं। जब उन्होंने लॉकडाउन के बीच कानून का पालन कराने को लेकर महिला पुलिस कर्मी से बात की तो फोन पर देखिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। हेलो हेलो, मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जैन सर, कहाँ ड्यूटी है आपकी? सर मेरी भदेल चेक पोस्ट पे है, एनटीपीसी थाना। लॉकडाउन को ठीक से आप लोग चला रहे हैं? जी सर। और नाजायज जो गाड़ी लेकर चल रहे हैं, नाजायज घूम रहे हैं, उन लोगों को आप रोक टोक कर रहे हैं? जी सर, जो बिना मतलब के चल रहे हैं, जैसे लफंगे हो गए, उनको सर किसी को पीटा भी जाता है, किसी को उठक बैठक भी हम लोग करवाते हैं। पीटने के लिए मत हमने कहा था, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो बाहर न घूमें। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना है, लेकिन जिनको पास दिया गया है, इमरजेंसी सेवा के लोग हैं, आवश्यक सेवाओं के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, इनके साथ किसी तरह की कोई गलती हम लोगों से नहीं होनी चाहिए। ये बात समझाया गया आपको? जी ना? सर, जी सर। अच्छा, और बताइए कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत कठिन समय है। जी सर। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी, सिपाही संख्या 747। सिपाही संख्या 747, कैप्टन कविता कुमारी। जी सर। तो कहाँ आपकी पोस्टिंग है? एनटीपीसी थाना कहलगांव, भागलपुर। अच्छा, तो वहाँ चेक पोस्ट पर मुस्तैद है। क्या क्या परेशानी आप लोगों को होती है? सर परेशानी तो मतलब ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा गांव का इलाका है तो लोग यहाँ, और एनटीपीसी है तो यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी उन लोग की रहती ही है, तो वो लोग जाते ही है, और कुछ लफंगे होते हैं वो तो घूमते ही रहते हैं, कितना भी आप मना कीजिए। हमारे सामने आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं और चले जाते हैं तो खोल लेते हैं। नहीं तो हमें भी लफंगे को घूमने नहीं देना है, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना है। कोरोना महासंक्रामक बीमारी है, खुद भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है और अपने बचना भी है, और अपने घर वालों से बातचीत करते रहती हैं? जी सर। घर में लोग चिंतित रहते होंगे तो उनको अपना समाचार बताते रहना है। और सर, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं सर? कोई अगर तकलीफ हो तो आप अपनी बात पुलिस मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय का नंबर है, उसके माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकती हैं। और महिला जो जितनी भी महिला पुलिसकर्मी हमारे विभाग में है, सिपाही है या कोई अधिकारी है, उन लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाने का काम करना चाहिए, उन लोगों को भी बताना चाहिए। और मेरी तरफ से आप जितनी भी महिला पुलिसकर्मी इस संकट की घड़ी में अपनी ड्यूटी पर इतनी मुस्तैदी से तैनात हैं, बिहार की 12 करोड़ जनता का प्यार आशीर्वाद आपके साथ है और मेरी पूरी ताकत आप लोगों के साथ है। और ये सेवा करने का मौका है जी, तो सेवा करना है, केवल लाठी नहीं भागना है, जनता का सेवा करना है। जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो जो सेवा का काम जितना बन सके अपनी जगह से कीजिए, ताकि पुलिस की छवि सकारात्मक बने, सब लोगों के मन में पुलिस के प्रति इज्जत का भाव पैदा हो। पुलिस के लिए जनता के दिल में इज्जत पैदा करना है, जनता का दिल सेवा से जीतना है। जी, ठीक है बाबू? जी सर, ठीक है। जी सर, खूब ड्यूटी पर लगे रहिए, मन से काम करिए, अपने घर के लोगों से, माँ पिताजी परिवार के बाकी लोग जो है, सब लोगों से बातचीत करके अपना समाचार देते रहिएगा, क्योंकि वो लोग चिंतित रहते होंगे। ठीक है जी सर, ठीक, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।